BTS एक ऐसा K-pop बैंड है जिसने हिप हॉप इंडस्ट्री में धमाल मचाया हुआ है। आज पूरी दुनिया BTS को प्यार करती है, लेकिन बहुत कम लोगों को ही BTS की कहानी के बारे में पता है। कैसे BTS एक बैंड बना, इस बैंड के मेंबर को कैसे ढूंढा गया, आज हम इसी बैंड के एक मशहूर आर्टिस्ट की पूरी कहानी जानेंगे। उस आर्टिस्ट का नाम है जंगकुक। जंगकुक एक मल्टी टैलेंटेड कोरियन हिप हॉप सुपरस्टार है। यह एक सिंगर, सॉन्ग राइटर, प्रोड्यूसर, डांसर और वोकलिस्ट है। जंगकुक BTS के सबसे छोटे मेंबर हैं। जंगकुक का यह नाम उनका असली नाम नहीं है, बल्कि यह उनका स्टेज नेम है। जंगकुक BTS से 15 साल की उम्र से ही जुड़े हुए हैं। आज BTS के इस मेंबर की पूरी दुनिया दीवानी है। इनके फैशन स्टाइल, लुक्स की बातें हर कोई करता है। जंगकुक का पूरा नाम जन जंगकुक है। जंगकुक का जन्म साउथ कोरिया के पुसान में सितंबर 1, 1997 में हुआ था। शुरुआती दौर की पढ़ाई उन्होंने बैकयांग एलिमेंट्री से की, जिसके बाद उन्होंने पुसान में ही मिडिल स्कूल को अटेंड किया। जब जंगकुक ने बिग हिट एंटरटेनमेंट में बतौर ट्रेनी ज्वाइन किया, तब उन्हें अपना स्कूल बदलना पड़ा क्योंकि उन्हें प्रैक्टिस के लिए सोल शिफ्ट होना पड़ा। सोल में उन्होंने सिंगू मिडिल स्कूल को ज्वाइन किया। बचपन से जंगकुक को बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद था। उनका सपना था कि वो एक बैडमिंटन प्लेयर बने। एक दिन उन्होंने टीवी पर जी ड्रैगन का हार्टब्रेकर पर परफॉर्मेंस देखा। जी ड्रैगन का परफॉर्मेंस देखने के बाद उन्होंने सिंगर बनने का सपना देखा। 2011 में जंगकुक ने एक कोरियन टैलेंट शो जिसका नाम सुपरस्टार के था, उसके लिए ऑडिशन दिया जो कि डाइगू में हो रहा था। उनका शो में सिलेक्शन तो नहीं हुआ क्योंकि वो ऑडिशन में ही बाहर हो गए थे, लेकिन सेवन एंटरटेनमेंट कंपनी को उनका ऑडिशन अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने जंगकुक को कास्टिंग का ऑफर दिया। लेकिन उन्होंने इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया और बिग हिट एंटरटेनमेंट को बतौर ट्रेनी ज्वाइन करने का फैसला किया। इसका कारण था आरएम, जो कि अभी BTS के लीडर हैं, उसे जंगकुक काफी फॉलो किया करते थे। जब उन्हें पता चला कि वो बिग हिट एंटरटेनमेंट से जुड़े हैं, तब जंगकुक ने बिग हिट एंटरटेनमेंट को ज्वाइन किया। बिग हिट एंटरटेनमेंट से जुड़ने के बाद वो 2012 में अपने डांसिंग स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए लॉस एंजलिस गए, जहां उन्होंने मूवमेंट लाइफस्टाइल से ट्रेनिंग ली। BTS में डेब्यू करने से पहले जंगकुक ने कुछ प्रोजेक्ट किए हैं। 2012 में ही उन्होंने जो क्वांस के म्यूजिक वीडियो आई एम डा वन में काम किया। उन्होंने बतौर एक बैकअप डांसर ग्लैम में भी काम किया है। 2016 में जंगकुक ने CSAT का एग्जाम दिया, जो कि एक नेशन वाइड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम है। 2017 में सोल स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स से वो ग्रेजुएट हुए। 2013 में BTS ने अपने पहले एल्बम टू कूल फोर स्कूल के साथ अपना डेब्यू किया। जंगकुक के लिए भी यह एक नया सफर था। 12 जून 2013 को जंगकुक ने बतौर एक BTS मेंबर अपना डेब्यू किया। BTS के अंडर जंगकुक ने 3 सोलो गाना गाए हैं। पहला सोलो गाना BTS के 2016 के एल्बम विंग्स का पहला पॉप ट्रैक बिगिन है। इस गाने में जंगकुक ने अपने सफर के बारे बताया है कि कैसे एक 15 साल का बच्चा सोल आता है और अपने करियर की शुरुआत करता है। इस गाने में उन्होंने अपने BTS मेंबर्स को शुक्रिया किया है, जिन्होंने उन्हें कभी अकेला महसूस होने नहीं दिया और भाई जैसे प्यार दिया। जंगकुक का सेकंड सोलो 5 अप्रैल 2018 में आया, जिसका नाम था यूफोरिया। यूफोरिया को DJ स्विवल ने प्रोड्यूस किया था। यह गाना बिलबोर्ड बबलिंग अंडर हॉट 100 चार्ट में 5 नंबर पे आया था। जंगकुक का थर्ड सोलो सॉन्ग था माई टाइम्स। इस सॉन्ग में उन्होंने अपने उस एक्सपीरियंस को शेयर किया है जिसमें उन्होंने अपने करियर के लिए अपने टीनेज ईयर्स को कुर्बान किया। माई टाइम्स और यूफोरिया पहला और दूसरा सॉन्ग था जो किसी के पॉप का सोलो ट्रैक था जो बिलबोर्ड वर्ल्ड डिजिटल सॉन्ग सेल्स चार्ट पर इतने लंबे समय तक रैंक कर रहा था। यह सॉन्ग 81-85 वीक तक रैंक कर रहे थे। 6 नवंबर 2018 को MBC+X जीनी म्यूजिक अवार्ड्स के स्टेज पर जंगकुक और चार्ली पुट का एक स्पेशल कलैबोरेशन हुआ, जिसमें जंगकुक ने वी डोंट टॉक एनीमोर गाया। इस कलैबोरेशन में दोनों ने और गाने गाए जिसे देख लोगों ने काफी पसंद किया। 4 जून 2020 को जंगकुक ने BTS येली बेब्यू कलैबोरेशन पर स्टिल विद यू सॉन्ग रिलीज किया, जो कि साउंड क्लाउड पर फ्री था। इस गाने को बिलबोर्ड ने अपने अंदाज में डिस्क्राइब किया और इसको पेश करते हुए कहा, मानो यह एक ट्विंकलिंग सिंथ्स और जेंटली स्ट्रम गिटार्स एंड रश्ड ड्रम्स जैसा है जो कि सुकून देती है। इस गाने को उन्होंने खुद प्रोड्यूस किया था। 2019 में जंगकुक थर्ड मोस्ट लव्ड सेलिब्रिटी ऑफ द ईयर थे। ये सर्वे गैलप कोरिया द्वारा किया गया था। जंगकुक पहले भी इस लिस्ट में आ चुके हैं। 2018 में यह नंबर 18 पर थे। न केवल साउथ कोरिया में बल्कि वो चाइना के बड़े बड़े सुपरस्टार को पीछे छोड़ते हुए लगातार 10 बार हाई चाइना मैगजीन के अकॉर्डिंग चाइना के सबसे चाहते सेलिब्रिटी थे।
2017 में वो मोस्ट लव्ड सेलिब्रिटी की लिस्ट में 17 नंबर पर थे। 2016 में इनका इस लिस्ट में पहली बार नाम आया था और ये अपने डेब्यू ईयर में 20th रैंक पर थे। 2018 में जंगकुक का एक वीडियो वायरल हो गया था जिसमें वो अपने स्टूडियो में गाना गा रहे थे। यह वीडियो आग की तरह फैल गया और लोगों ने इसे खूब पसंद किया। वह वीडियो साउथ कोरिया का उस साल का मोस्ट रीट्वीटेड वीडियो था। आपको जानकर हैरानी होगी, जंगकुक जस्टिन बीबर, अशर और जस्टिन टिम्बरलेक जैसे ग्रेट आर्टिस्ट को फॉलो करते हैं और उनको अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। 2019 और 2020 में गूगल के मीडिया चार्ट के अनुसार जंगकुक गूगल पर मोस्ट सर्च्ड के पॉप स्टार थे। 2019 में मोस्ट सर्च्ड आर्टिस्ट ऑन यूट्यूब और 2020 में मोस्ट सर्च्ड के पॉप आइडल ऑन द टम्बलर थे। 2019 में किसी के ट्वीट को सबसे ज्यादा रीट्वीट किया गया था वो थे जंगकुक। 2020 में यह इस चार्ट में सेकंड नंबर पर थे। 2018 में जब उन्होंने लाइव ब्रॉडकास्ट किया था तब वर्ल्ड वाइड से 3.7 मिलियन लाइव व्यूअर थे। अपने इसी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए उन्होंने जब 2021 में सोलो ब्रॉडकास्ट किया तब वी लाइव पर उनके 22 मिलियन रियल टाइम व्यूअर थे। इसी से पता चलता है कि लोग उनसे कितना प्यार करते हैं। 2021 के जुलाई में साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट मून जे इन ने जंगकुक को फ्यूचर जनरेशंस इन कल्चर के लिए स्पेशल दूत नियुक्त किया। साथ ही बीटीएस के बाकी मेंबर को भी इस सम्मान से नियुक्त किया गया और उनसे आग्रह किया गया कि वो साउथ कोरिया को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करे और आने वाले जनरेशंस के लिए सस्टेनेबल ग्रोथ लाए। ये थी जंगकुक की लाइफ से जुड़ी कुछ खास बातें। यहां तक वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।